Hello students, I am Dr. Neelam Pandey from Indraprastha Law College. Today we will discuss on the topic of revolution in India and abroad. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे revolution in India. Students, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक ये वगैरह जब अरेस्ट हो जाते हैं, जो उग्रवादी थे उस वक्त कांग्रेस के, तो उन नेतृत्व के अभाव में, लीडरशिप के अभाव में जो नवयुवक थे, जो उनसे इंस्पायर थे, वो भटक जाते हैं और वो हथियार उठा लेते हैं. उनको लगता है कि आजादी उन्हें क्रांति के जरिए मिलेगी. तो इस तरीके से क्रांति का उन्होंने रास्ता पकड़ लिया और मेन जो जगह थी क्रांति के जहां पर ये एक्टिविटीज ज्यादा हुए थे, वो थे बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब. ठीक है, तो इन एक जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसमें हम जानेंगे सबसे पहले चापेकर ब्रदर्स केस 1897. स्टूडेंट्स, पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में प्लेग महामारी फैली हुई थी. महामारी कितना भयंकर रूप ले लेती है ये आप सब देख ही रहे हैं. तो जो पुणे में महाप्लेग फैली हुई थी, तो उस वक्त के जो अंग्रेज अधिकारी थे वे भारतीयों को उत्पीड़ित करने में और उन्हें तंग करने में, परेशान करने में पीछे नहीं हट रहे थे. तो उस वक्त के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो करते क्या थे, तो जो हिंदू भारतीय थे उनके घरों में जबरदस्ती वो घुस जाया करते थे, पूजा घर में जबरदस्ती सूज पहन करके चले जाते थे, औरतों के साथ टेस्ट के नाम पर, वो जांच के नाम पर बदतमीजी करते थे. तो पूना के जो रहने वाले लोग थे, पूनावासी, उनके मन में अंग्रेजों के प्रति रोष उत्पन्न हो गया. वाल्टर चार्ल्स रैंड और आयस्ट दो अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम इसमें बहुत उछल करके आता है कि ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं. तो ये जो तीन भाई हैं, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर, ये तीनों चापेकर चापेकर ब्रदर्स के नाम से मशहूर थे और ये तिलक जी से बहुत अधिक प्रभावित थे. तिलक जी को अपना ये गुरु मानते थे. तो ऐसे में इन्होंने ठानी कि हम इन अंग्रेज अधिकारियों को मारेंगे. ठीक है, तो 22 जून 1897 को पूना के गवर्नमेंट हाउस में रानी विक्टोरिया की शासन के 60 इयर्स पूरे होने पर डायमंड जुबली मनाई जा रही थी. वहीं पर वाल्टर चार्ल्स रैंड और आयस्ट भी गए हुए होते हैं. दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर दोनों वहीं गवर्नमेंट हाउस के बाहर इनके बाहर निकलने का इंतजार करते हैं और 12:10 पर जब ये बाहर निकलते हैं दोपहर को, तो योजना अनुसार दामोदर चापेकर रैंड को और आर्यस्ट को बालकृष्ण चापेकर गोलियों से मार डालते हैं. आर्यस्ट की तो मृत्यु वहीं पर हो जाती है, लेकिन रैंड 3 दिन के बाद हॉस्पिटल में जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है. ठीक है, तो पुलिस अधिकारी एक ब्रुइन है, वो ये घोषणा करता है कि जो इन भागे हुए चापेकर बंधुओं को पकड़वाएगा हम उन्हें 20,000 रूपये इनाम देंगे. तो जिस कैंप से चापेकर बंधु जुड़े हुए थे उसी कैंप से द्रविड़ बंधु भी जुड़े हुए थे. द्रविड़ बंधु कौन, तो गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़. तो 20,000 रूपये के लालच में इन द्रविड़ बंधुओं ने, द्रविड़ ब्रदर्स ने दामोदर चापेकर को गिरफ्तार करवा दिया. दामोदर चापेकर की 18 अप्रैल 1898 को फांसी दे दी जाती है और बालकृष्ण चापेकर अभी भी फरार हैं. तो इनको पकड़ने के लिए इनके घर वालों को परेशान की जा रही है, प्रताड़ित की जा रही है. तो अपने घर वालों को प्रताड़ना से बचाने के लिए बालकृष्ण चापेकर आत्मसमर्पण कर देते हैं और 12 मई 1898 को इनको फांसी दे दी जाती है. बचते हैं वासुदेव चापेकर. वासुदेव चापेकर जी क्या करते हैं, तो ये महादेव गोविंद विनायक रानाडे जो एक क्रांतिकारी हैं, उनके साथ मिलकर के द्रविड़ ब्रदर्स की हत्या कर देते हैं और इनकी फिर गिरफ्तारी हो जाती है और 10 मई 1898 को इनको भी फांसी दे दिया जाता है. स्टूडेंट, दूसरा हमारा जो एक्टिविटी है वो है अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी 1908. ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम एक जानेंगे अनुशीलन समिति के बारे में. अरबिंदो घोष
उनके भाई बरिंद्र घोष और इन जैसे कुछ क्रांतिकारियों ने मिल करके अनुशीलन समिति गठित करी थी, ठीक है। और इस अनुशीलन समिति में ये नौजवानों को भर्ती करते थे, उनको व्यायाम सिखाते थे, तलवारबाजी सिखाते थे, गोली चलाना सिखाते थे, बम बनाना सिखाते थे, ये सब गतिविधियां होती थी। तो जो 1905 में बंगाल विभाजन होता है उसी के रोष के रूप में ये उत्पन्न होता है। अनुशीलन समिति के तहत ये डिसीजन लिया जाता है कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट है डीएच किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या करेंगे। तो योजना के मुताबिक 13 अप्रैल 1908 को जब किंग्सफोर्ड अपने घर से बाहर निकलता है और अपनी बग्घी पर बैठना होता है तो उस पर बम फेंकना है, और ये दोनों बम फेंकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये जिन पर बम फेंकते हैं वो दूसरी बग्घी पर फेंक देते हैं, जिस पर दो अंग्रेज महिला होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है और किंग्सफोर्ड बच जाता है। खुदीराम बोस को वहीं पर पकड़ लिया जाता है, प्रफुल्ल चंद चाकी को लगता है कि ये पकड़े जाएंगे तो इन्होंने सुसाइड कर लिया, और अनुशीलन समिति के 33 सदस्यों को अरेस्ट किया जाता है इस केस में, ठीक है। तो उसके बाद अरविंदो घोष और बरिंद्र घोष वगैरह जैसे कुछ लोगों को सब छोड़ दिया जाता है कुछ कम सजाएं देकर, और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी जाती है। स्टूडेंट्स, जब इनको फांसी होती है खुदीराम बोस को, तो इनकी एज 18 साल की होती है, ये महज 18 साल के होते हैं, ठीक है। इसके पहले जो हमने पहला चापेकर ब्रदर्स वाला केस देखा था स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको ये बताना जरूरी है कि 1857 के बाद ये क्रांतिकारी घटना घटित होने वाली पहली घटना थी जिसमें बंदूक उठा करके अंग्रेजों का की हत्या की गई है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम एक एक्टिविटी देखेंगे, हावड़ा गैंग केस 1910। स्टूडेंट्स, हावड़ा गैंग केस का कनेक्शन अलीपुर बैंक कॉन्स्पिरेसी से है। अनुशीलन समिति का भंडाफोड़ किया था कलकत्ता के एक इंस्पेक्टर शमसुल आलम ने। शमसुल आलम ने ही अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी नेटवर्क को उजागर किया था, ठीक है, और 33 लोगों को जो मैंने बताया कि अरेस्ट किया था उसमें इन्हीं का हाथ था। तो इसमें होता क्या है कि 24 जनवरी 1910 को शमसुल आलम की हत्या कर दी जाती है, जिसमें अनुशीलन समिति के 47 राष्ट्रवादियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिनमें से 33 को बरी कर दिया जाता है और कुछ को 4-4 साल की सजा और किसी को काले पानी की सजा दे दी जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एक दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1912। स्टूडेंट्स, 1911 में राजधानी चेंज होता है कलकत्ता से दिल्ली। उसी समय होता क्या है कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग चांदनी चौक में आता है, तो 23 दिसंबर 1912 को इन पर बम फेंक दिया जाता है, ठीक है। और इस केस में इन्वॉल्व रहते हैं रास बिहारी बोस, सचिन सन्याल, बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद, ये लोग दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। जिसमें रास बिहारी छुपते छुपाते जापान भागने में सफल हो जाते हैं और बाकियों यानी कि बसंत कुमार विश्वास को, बाल मुकुंद को, अवध बिहारी को, मास्टर अमीर चंद को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है काकोरी षड्यंत्र, काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925। स्टूडेंट्स, कुछ क्रांतिकारी नवयुवक हैं जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, असफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे कुछ क्रांतिकारी नवयुवकों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की है 1924 में, जिसके तहत इनका ये विश्वास है कि ये क्रांति के थ्रू आजादी पा लेंगे। तो ये इनकी योजना ये होती है बम बनाना, हथियार खरीदना। तो इनको अभी है कि हथियार खरीदने के लिए इनको पैसा कहाँ से मिले,
तो इनको पता चलता है कि 1925 में कि एक पैसेंजर ट्रेन है जिसमें सरकारी माल जा रहा है, सरकारी पैसा जा रहा है, ठीक है। तो ये इनकी ये प्लान बनती है। तो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन में चेन पुलिंग करके ट्रेन को रुका जाता है और संपत्ति को लूट ली जाती है, ठीक है। अब इस केस में 40 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलता है, ठीक है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद तो उस वक्त भूमिगत हो गए, छुप छुपा गए, वो पकड़ में नहीं आए, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, असफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाहड़ी को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा केस है चिटगांव असेंबली, सॉरी चिटगांव आर्मरी रेड 1930। इसके मुख्य जो है वो है, इनमें मुख्य है क्रांतिकारी सूर्य सेन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, तो इसमें ये है कि चटगांव बंगाल में है, तो 18 अप्रैल 1930 को भारत के महान क्रांतिकारी सूर्य सेन के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चटगांव, जो आज बांग्लादेश में है, पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारने व छापा मारकर लूटने का काम किया जाता है, ठीक है। यानी सूर्य सेन के नेतृत्व में, लीडरशिप में कुछ क्रांतिकारी शस्त्रागार पर आक्रमण लूटते हैं, आक्रमण करते हैं और उसको लूट लेते हैं। 22 अप्रैल 1913 की दोपहर को चटगांव छावनी के पास जलालाबाद पहाड़ियों में छिपे हुए क्रांतिकारियों को पकड़ लिया जाता है और 12 जनवरी 1934 को सूर्य सेन को फांसी दे दी जाती है। चटगांव आर्मरी रेड केस में लोकनाथ बाल, कल्पना दत्ता और अंबिका चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारियों का नाम भी आता है, ठीक है। अब हमारा एक केस है सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस 1929 एंड द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1931। स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि 8 अप्रैल 1929 को सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम धमाका किया था। इस धमाके का मेन उद्देश्य किसी को क्षति पहुंचाना नहीं था, वो असेंबली में उन्होंने बम भी वैसी ही जगह पर फेंका था जहां पे लोग नहीं थे। उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि बहरी सरकार को काम खोलने के लिए हम ये धमाका कर रहे हैं और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा करके, ठीक है। लाला उसके बाद क्या होता है कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और श्रीराम ने पुलिस अधीक्षक किंग्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई थी, ठीक है। तो उन्होंने 17 दिसंबर 1928 की शाम को करीब 4 बजे के आसपास अपनी घटना को अंजाम दिया, लेकिन गलत पहचान के चलते स्कॉट की जगह पर सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी सैंडर्स मारा गया। इस मामले को लाहौर कॉन्स्पिरेसी नाम से जाना जाता है, जिसमें राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1930 को, ठीक है। लाहौर के सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी जाती है और चंद्रशेखर आजाद यहाँ भी भूमिगत हो जाते हैं, लेकिन 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद और अंग्रेजों के बीच भयंकर गोलीबारी होती है और जब चंद्रशेखर आजाद के पास एक ही गोली बची होती है तो उनको लगता है कि वो पकड़े जाएंगे और वो उनका ये था कि मैं आजाद पैदा हुआ हूँ, मैं आजाद ही मरूंगा, तो उन्होंने वो गोली अपने कनपट्टी पे रखकर खुद को खत्म कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एक्टिविटीज थे, क्रांतिकारी गतिविधियां थी जो भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया और भारत की आजादी में इनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता है। इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है भारत को आजादी दिलाने में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन इन अब्रॉड।